हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं पंजाबी राजमा की रेसिपी। वीडियो में आप देख ही सकते हैं राजमा कितने अमेजिंग लग रहे हैं, एकदम क्रीमी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। और इसके लिए मैंने यहां पे यूज़ की है एक स्पेशल ट्रिक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो राजमा बनाने के लिए यहाँ पे हाफ कप राजमा ले लिए हैं मैंने, जिन्हें पूरी रात मैंने भीगने के लिए रख दिया था। साथ में चार मीडियम साइज के आलू। सबसे पहले इन्हें हम उबलने के लिए रख देंगे। तो एक कुकर में राजमा ऐड कर देंगे और साथ साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे आलू। राजमा बनाते हुए उसमें आलू का यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यकीन मानिए इससे राजमा का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी आपकी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है मैंने इसमें, 1 टीस्पून नमक। साथ साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तो यहाँ पर 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। हाँ, पानी इसमें ऐड किया है मैंने 2 से 3 बड़े कप। तो इसे हम बॉईल कर लेंगे। अब 4 से 5 विसल लगा के चेक कर लेंगे कि राजमा और आलू अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू जो है वो अच्छे से पक गए हैं। तो आलू अभी मैं निकाल के अलग कर लूँगी। अगर राजमा ना पके हो तो आलू अलग करके राजमा को अगेन हम 1 से 2 विसल जो है वो लगवा सकते हैं। हमें राजमा को इस तरह से पकाना है। आप देख सकते हैं राजमा का छिलका जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है और राजमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज तक हमें राजमा को उबाल लेना है। चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे हम 3 बड़े चम्मच। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। देन इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता। साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है जीरा। मीडियम फ्लेम पर इन तीनों को हम हल्का सा भून लेंगे। थोड़ी देर इसे भून लेने के बाद आप देख सकते हैं हर एक का कलर जो है वो चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गए हैं ये। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑनियन। 2 बड़े साइज़ के ऑनियन ली है और इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है उन्हें मैंने। तो इन्हें अब हम मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उन्हें फाइनली चॉप कर लिया है। इन्हें हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने राजमा बॉयल करते हुए भी उसमें ऐड किया है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। भाई नमक कम हो तो चलता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए इसे अब हम कवर कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देंगे। तब तक हम आलू जो हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू ले लिए हैं मैंने और इन्हें इस तरह से हाथों की हेल्प से मैं तोड़ लूँगी। हमें इन्हें मैश नहीं करना है, बस हल्का हल्का इन्हें तोड़ लेना है। लीजिए आलू मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पेसल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे राजमा इस तरह से। चलिए यहाँ पे 2 करछी राजमा मैंने ले लिए हैं। इन्हें हम क्रश कर लेंगे, बिल्कुल मैश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने राजमा को अच्छे से मैश कर लिया है। इन्हें भी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इन्हें हल्का सा मैश कर लेती हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर की प्योरी बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इस तरीके से बनाना पसंद है। अगर आपको ग्रेवी वाली रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और उसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सूखे मसाले। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, देन 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं। आप रेड चिली पाउडर की जगह पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन कढ़ाई की लिड हम बंद कर देंगे, कवर लगा देंगे और 2 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पका लेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। तो मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है।
अब देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है इस पे, और प्याज और टमाटर अच्छे से पक गए हैं, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। जो आलू हमने तोड़ लिए थे हल्के हल्के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले में इसे मिक्स करके हल्का हल्का मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आलू को मैश कर लूँगी। यहाँ पे जो हमारी स्पेशल ट्रिक है वो यही है, यहाँ पे हम राजमा के साथ ऐड करेंगे आलू और थोड़े से राजमा को हम कर लेंगे मैश। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी राजमा को मैश करके हुए रखा है, उन्हें भी हम इसमें ऐड कर देंगे और आलू के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे आप ग्रेवी का टेक्सचर, यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही क्रीमी बनता है। तो मसाला बिल्कुल तैयार कर लिया है हमने फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल देंगे जो बचे हुए राजमा हैं। राजमा का पानी साथ में ही ऐड कर देना है, अलग से इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, लेकिन ये जो बॉईल किया हुआ पानी है इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसे साथ में ही ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं राजमा का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। सी तो अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी भी पतली आपको ग्रेवी चाहिए उतना ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन इसे हम बॉईल कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और 4 से 5 मिनट इसे पका लेने के बाद आप देख सकते हैं राजमा जो हैं वो बिल्कुल बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब लास्ट में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून और 2 बड़े चम्मच जितना हरा धनिया। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और राजमा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ठंडे हो जाने के बाद राजमा की जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी और थिक हो जाती है। चलिए राजमा यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। तो राजमा के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ जीरा राइस। आप इसे चपाती या फिर पराठे के साथ या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चावल मैंने यहाँ पे सर्व कर लिए हैं। अब इसके साथ हम सर्व करेंगे जो गर्मा गर्म राजमा हमने बनाए हैं वो। सी आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।